यार ये एक ऐसी जगह है जब भी हमें कुछ भी चाहिए होता है हम आग बंद करके यहाँ पे पहुँच जाते हैं। सो दिस इज़ वॉलमार्ट, $600 बिलियन कंपनी एंड द बिगेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड। एक कोने से दिखाना शुरू करता हूँ, ये स्लैट सैलड्स एंड पिज़्ज़ा वाला है। सो यहाँ पे ऐसे बस पिज़्ज़ा बने बनाए हैं जिस घर में जाके बेक करना है। They cost about $5. So $5 in Indian rupees is just multiply everything by 8 roughly. And then you have the bakery. But first look how big this store is. Let me show you. I am on the one end. And look how far. So अगर पूरा दिन भी लगा दोगे तो यहाँ पे टाइम लगेगा पूरा चीज़ें चेकआउट करने में। सो ये है बीफ सेक्शन, देन यू हैव पोर्क, पोल्ट्री। अभी हर टाइप की फिश यहाँ पे मिलेगी और कोई सा भी पार्ट चाहिए स्पेसिफिक यू कैन हैव इट। दिस इज टर्की एंड देन दिस इज चिकन। सो अभी चिकन में चिकन ब्रेस्ट चाहिए, लेग्स चाहिए एंड लेट मी ऑल्सो सेव द प्राइस। सो दिस कॉस्ट अबाउट $1.52, सो दैट्स रफली ₹160। एंड दे हैव ऑलरेडी स्मोक्ड द मीट, सो ये सब जो है स्मोक्ड है। बट ये सब फूड कितना प्रोसेस्ड है, सो एंड देन सब इतना पैक्ड है पॉलीथिन्स में, कितना प्लास्टिक वेस्ट है यहाँ पे होता है। सो देखो हर एक चीज़ ऐसे पैक्ड की हुई है और सब प्लास्टिक है एकदम। अराउंड $3 में चिकन फीड भी मिल रहा है। चिकन में एंटीबायोटिक फ्री चिकन है। लेट मी नो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, 100% मनी बैक गारंटी। अब अगर आइसक्रीम खानी है तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये इतने फ्रिज सिर्फ आइसक्रीम के लिए हैं। नाउ डिसाइड कौन सी खानी है। देन ये पूरा इधर ऐसे ही मीट के लिए है। कोको कोला, ये है अमेरिका की फेवरेट ड्रिंक। सो सुबह मॉर्निंग में जब सब लोग उठते हैं सबसे पहले पानी नहीं कोको कोला पीते हैं यहाँ पे। सो ये एक बॉटल की कॉस्ट है $2.22, सो अराउंड 180 रुपीस के अराउंड है। इवन तो यहाँ पे जो घर में टैप वाटर आता है वो काफ़ी क्लीन होता है, बट फिर भी यहाँ पे इतना पैक्ड वाटर बॉटल में, प्लास्टिक वाटर बॉटल में इतना वाटर बिकता है। ये इतने टाइप का पानी है। अच्छा ऊपर भी है। सो ये जस्ट पानी है, अब ये डिसाइड करो कि कौन सा वाला पानी पीना है। पीजिए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू विल हैव इट हियर। तो ये इतने इन्होंने सेक्शन बनाए हुए हैं, अभी पूरे इस साइड तक है एंड देन यू ऑल्सो हैव इट टिल दैट एंड। ब्रेकफास्ट के लिए एक अलग सेक्शन है, देन लंच के लिए एक अलग सेक्शन है, यू नेम एनीथिंग। चीज एंड देन यू हैव डेयरी। डेयरी में देखो कितने हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स। सो ये इतना बड़ा सेक्शन जस्ट दही के लिए है। सो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, ये इतने टाइप की इन्होंने दही रखी हुई है और ये इतना बड़ा सेक्शन है। सो प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे होती है वो ये है कि आई गेट कन्फ्यूज नाउ व्हाट टू बाय। मिल्क, अभी मिल्क में देखो कि कितने टाइप हैं।
रिड्यूस फैट मिल्क, स्पेशलिटी मिल्क, क्रीमर, होल मिल्क, लैक्टोज फ्री। एंड ऑल्सो थिंक ये कितना प्रोसेस्ड है। ये एग्स वाला सेक्शन है, कितने टाइप के यहाँ एग रखे हुए हैं। ये तो थी खाने की बात, अभी और भी है जस्ट, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं ब्रीफली चीज़ों को दिखा रहा हूँ। सो ये बाकी और सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक्वेरियम से रिलेटेड भी सामान रखा हुआ है, पेट केयर के लिए रखा हुआ है। ऑल आर्टिफिशियल। और यहाँ पे बिक रही है सारी टीवी। और दे हैव, दे ऑल्सो हैव GoPro। लैपटॉप्स, आईपैड। सो ये था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटो सेक्शन। सो ग्रोसरी हुआ, देन इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, हार्डवेयर हुआ, अभी ये हैं ऑटो एसेसरीज। सभी कार से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए। सो दिस इज स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। हम भी अपना सारा सामान मोस्टली यहीं से ही लेते हैं। सो ये सब फिशिंग करने के हुक्स हैं। सो ये इतने टाइप के हुक्स हैं। हाउ ही विल डिसाइड, इतने टाइप्स की रॉड हैं। ये पूरा सेक्शन केवल फिशिंग के लिए है। इधर टेंट्स, कैंप, ये पूरा उसके लिए है। अच्छा, इधर भी हैं हुक्स, ये भी सब फिशिंग हुक्स हैं। लेट मी ऑल्सो शो यू हाउ मच इट कॉस्ट। इट्स अराउंड $2.5। यहाँ भी सारे टेंट्स रखे हुए हैं, बास्केटबॉल। सो दिस बास्केटबॉल कॉस्ट अबाउट $15। मल्टीप्लाइड बाय 8, यू विल हैव इट इन INR। ओह, फुटबॉल $24, $14। यहाँ बिक रही हैं साइकिल। अभी कौन सी साइकिल चाहिए, माउंटेन बाइकिंग, नॉर्मल चलाने के लिए, हर टाइप की मिलेगी। फिर उसकी इधर सारी एसेसरीज हैं। स्केटबोर्ड, दैट्स फॉर $41 एंड आई थिंक इट इज फॉर किड। ये हेलमेट कैसा लग रहा है, सही बाइकिंग हेलमेट है, $20 का, ₹1600। ये वाला देखो, ये तो अभी मैं इसके साइड साइड में वॉक कर रहा हूँ, अभी इतने ही प्रोडक्ट्स यहाँ बीच में भी रखे हुए हैं। सो ये जस्ट लाइट्स को फॉलो करो जो ऊपर लगी हुई हैं, ये कहाँ से कहाँ तक। सो ये एक वीडियो में तो मैं इतना कवर नहीं कर सकता। सो यहाँ एक बार घुस जाओ तो 3-4 घंटे तो ऐसे ही पास हो जाते हैं, फिर भूख लगेगी। देन वॉलमार्ट के अंदर ही सबवे भी है, ऐसे ही और भी हैं बहुत सारे इसके अंदर बनाए रहते हैं इन्होंने। इधर सारी क्लोथिंग है, इतना ही है, बीच में भी है। अभी जस्ट मैं इसके साइड साइड में वॉक कर रहा था, आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए सेक्शन जहाँ पे आप गन्स एंड एमो खरीद सकते हो, एंड रियल गन। सो अगर धनिया लेने आए हो और मन करे कि
अगर गन दिख गई और मन करे खरीदनी है, यू कैन जस्ट बाय इट राइट अवे। अभी मेरे को सेक्शन मिल नहीं रहा है, आई सॉ इट बट स्टोर इज सो बिग, आई एम लॉस्ट नाउ। सो जब ये ऐसा सा कुछ हो देन यू हैव टू लुक अप ऑन इंटरनेट एंड दे विल टेल यू कि कहाँ जाना है। जैसे H18 लिखा है सो दे विल टेल यू एग्जैक्टली वेयर इट इज स्टोर्ड। चेकआउट का भी ऑप्शन है बट इस सेल्फ चेकआउट में काफ़ी ज़्यादा स्टील यहाँ पे करते हैं लोग। एनीवे ये था एक छोटा सा टूर, अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से बाहर। बाहर से देखो कितना बड़ा ये स्टोर है। सो ये हम एक और स्टोर आए हैं कुछ सामान लेने, इसका नाम है होम डिपो। सो यहाँ पे मोस्टली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सामान मिलता है, जैसे यहाँ देखो पूरे पूरे लकड़ियाँ मिल रही हैं कटी कटाई। सो US में कल्चर भी थोड़ा इस टाइप का ही है कि सब लोग यहाँ पे अपना खुद से ही बनाते हैं, अगर उनको टेबल बनाना है या कुछ बनाना है तो लोग ऐसे यहाँ से सामान ले जाके पूरा खुद से बना सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्क लोग खुद से ही करते हैं क्योंकि लेबर काफ़ी महंगी है। सो हम भी एक इस टाइप का कुछ लॉक ढूंढ रहे हैं। सो कंस्ट्रक्शन का सारा सामान यहाँ पे मिल जाएगा, मोल्डिंग, डोर्स, पावर टूल्स, विंडो, प्लम्बिंग, अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल, बाथ। सो ये भी काफ़ी बड़ा स्टोर है यहाँ का।